हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी वर्ल्ड क्रेन। गाइस, आज मैं आप लोगों को लोड चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि लोड चार्ट कैसे देखते हैं और लोड चार्ट कहाँ से उसको किस तरह देखा जाता है, ठीक है। और जो रेडियस है उसको कहाँ से कहाँ तक को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और रेडियस कहाँ से नापते हैं, आज सब इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए दिखाता हूँ कि कहाँ से रेडियस अपना जहाँ से नापते हैं वहाँ आपको दिखाते हैं, आइए। तो गाइस देखिए, ये रेडियस अपना जो है, अपना जो ऑपरेटिंग केबिन है उसके बीच सेंटर से लेके जहाँ तक हमारा हुक जो जहाँ गिरेगा उसके बीच के दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए अपना जो आउटरिगर है, यहाँ से लेके उस आउटरिगर तक ये दोनों बीच में, इसका बीच का जो, ये बीच का जो दूरी है इस आउटिगर से लेकर इस आउटिगर तक 6.5 मीटर होता है, ठीक है। और अपना क्रेन जो है पूरा 360 डिग्री में स्विंग होता है, ठीक है। पूरा 360 डिग्री में घूमता है, इस आउटिगर से लेकर इस आउटिगर तक 82 डिग्री तक होगा। सेम वैसे भी उधर है, ओवर साइड है, उधर भी 82 डिग्री पर होगा। और ये जो पीछे वाला आउटिगर है यहाँ से लेके और पूरा ऐसे स्विंग होकर आएगा उस आउटिगर तक, पीछे वाला तक, तो वहाँ तक हमारा 98 डिग्री तक होता है, ठीक है। और ये आगे वाला आउटिगर से लेके आगे से जब स्विंग करेंगे तो जब फर्स्ट आउटिगर तक आएगा तो हमारा 98 डिग्री होता है, ठीक है। तो 98 डिग्री और 98 डिग्री और ये साइड वाला जो दोनों जो है 82 82 डिग्री, चारों मिला के 360 डिग्री होता है, ठीक है। और आइए आपको दिखाता हूँ लोड चार्ट की, लोड चार्ट इसमें कैसे देखते हैं कि एक CT80Y क्रेन है, एक CMG 80 टन। तो आइए दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, ये अपना लोड चार्ट है, ठीक है। अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ये एक CT80Y ट्रक क्रेन, टोटल रेटेड लिफ्टिंग लोड, ठीक है, 5300 kg काउंटर वेट। ये अपना 5 टन 300 kg जो है अपना काउंटर वेट है, ठीक है। और ये अपना बता रहा है आउटिगर का ऑन 7.9 मीटर फुली एक्सटेंडेड आउटिगर 360 डिग्री ऑपरेशन ऑफ द बूम लिफ्टिंग लोड फॉर बूम। मतलब तो ये बोल रहा है कि 7.9 मीटर जो अपना है आउटिगर की लंबाई है और फुल आउटिगर निकला हुआ है, ठीक है। और 360 डिग्री में, मतलब यह 360 डिग्री हिसाब से बनाया है लोड चार्ट, ठीक है। लेकिन अपना जो काम करना है तो अपना रियर साइड और ओवर साइड में काम करना है, ठीक है। फ्रंट साइड में काम नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्रंट साइड में अपना क्या है कि थोड़ा उधर अपना केबिन पे लोड पड़ता है, ठीक है। और पीछे क्या है कि आउटरिगर है तो पीछे काम करना सेफ रहता है, ठीक है। सेफ्टी अलाउ नहीं करता है फ्रंट से काम करना, ठीक है। देखिएगा ये अपना, देखिए ये अपना बूम लेंथ बता रहा है 11.8, 16 मीटर, 20.3। सेम टू सेम देखिए, मैं इसको आपको ये बुक में दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए बुक में दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए गाइस ये अपना बुक है, देखिए ये जो है ये अपना बूम लेंथ बता रहा है 11.83, 16.04 मीटर, ठीक है। ये अपना सब बूम लेंथ है, 11.8 इसका बेसिक बूम हो गया, ठीक है। ये टोटल जो है यहाँ तक है अपना बूम लेंथ बता रहा है 45.5 बता रहा है। पूरा टोटल बूम निकाल देंगे तो हमारा 45.5 मीटर बूम होगा, ठीक है। और ये जो साइड में दिया हुआ है ये अपना रेडियस है 3 मीटर से लेके देखिए ये 34 मीटर तक अपना रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस है और ये बूम लेंथ है, ठीक है। और ये जो सामने दिया हुआ है ये अपना कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है, कि कितना कैपेसिटी है। देखिए जैसे मान लीजिए हमको 20.2 मीटर बूम, 2.5 बूम निकालना है, ठीक है, इतना मीटर बूम लेंथ निकालना है, ठीक है। और हमको 16 मीटर रेडियस पे देखना है, ठीक है। तो 16 मीटर रेडियस पे देखने के लिए ये देखिए 20.25 देखेंगे और 16 मीटर पर लाएंगे, देखिए ये 16 मीटर रेडियस पकड़ के इसके सामने लेके आएंगे 20.25 के सामने, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, 6 टन 200 kg अपना कैपेसिटी बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी 6.6 टन 200 kg, ठीक है। और देखिए ये बताया है कि
कि फॉल अपना कितना रहेगा। फॉल अपना देखिए, अपना ये 8 हाथ रहेगा, ठीक है, 8 रिविंग रहेगा, ठीक है। और ये देखिए अपना टेली का बता रहा है, फर्स्ट टेली और सेकंड टेली का, ठीक है। ये बता रहा है कि कितना कितना निकाल सकते हैं, इसमें 0, इसमें 50% निकलेगा, मतलब आधा। और ये तीनों जो टेली जो निकलता है एक साथ में, सेकंड टेली का वो 0 रहेगा, फिर इसमें बता रहा है इसमें वो 0 रहेगा, इसमें 25 निकलेगा। हर एक अलग अलग हिसाब से है, लेकिन क्या है कि अपना बेसिक बूम के बाद जो फर्स्ट टेली अपना जो निकलता है उसको अपना, जैसे मान लीजिए 8 मीटर है, 8.1 मीटर, तो उसको 7.5 मीटर तक बूम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टेली, थर्ड टेली, फोर्थ टेली निकलता है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। और देखिए इधर भी अपना रेडियस दे रखा है, देख रहे हैं, ये अपना रेडियस है, ठीक है। और ये अपना जितना भी ये लाइन्स है ये सब फॉल है, कितना फॉल पर आप सेटिंग कर सकते हैं, जितना फॉल आप सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से कैपेसिटी बनेगा। और ये अपना हवा का वेग बता रहा है, देखिए ये हवा का वेग बता रहा है, 11.1 इज ग्रेटर देन, ये सब बढ़ते जा रहा है, 12.8 इज ग्रेटर देन, फिर 14.1 इज ग्रेटर देन, मतलब ये बढ़ते जा रहा है हवा। ये 14.1 तक अगर अगर जाएगा तो समझिए 51 किलोमीटर पर घंटा जो होता है ना, 51 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से समझिए हवा बह रहा है। ये कभी भी 8 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जब हवा बहेगा ना, 8 मीटर पर सेकंड जब बहेगा, उससे ऊपर अगर जाएगा तो काम को रोक देना है, ठीक है। और ये देखिए टेबल टेबल वन का ही भाग है ये, ठीक है। और इधर देखिए ये गाइस, गाइज, और देखिए ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, खाली खाली दिया है, तो यहाँ पे जब बूम आएगा, जो यहाँ तक मतलब जो आएगा, तो हमारा जो हुक आएगा कैपेसिटी ही नहीं बनेगा, ठीक है। हुक आएगा ही नहीं, कट ऑफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 18.1 है, 18.1 मीटर बूम लेंथ निकाल दिया है, ठीक है, और 3 मीटर रेडियस है, तो इसमें 3 मीटर रेडियस पे ये कैपेसिटी नहीं बनेगा। इतना जब बूम निकाल देंगे तो 18.1, 16.04, ये सब कैपेसिटी नहीं बनेगा। इतना ही बूम निकालेंगे तब जाके 3 मीटर रेडियस होगा, ठीक है। ये जितना ब्लैंक है ये सब किसी पे भी कैपेसिटी नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 24.5 मीटर बूम लेंथ निकाले हैं, ठीक है, और 28 मीटर रेडियस पे करेंगे तो हमारा कट ऑफ हो जाएगा। जैसे देखिए 24 मीटर है ना, ये कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 28 मीटर रेडियस पे है, 24.5 मीटर बूम लेंथ, जितना भी ये खाली जगह है ये सब कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटी नहीं देखिए ये बनेगा। अपना हाफ आउटिगर पर दिया है, टेबल 3 2 है, 2 पेज, लिफ्टिंग लोड टेबल फॉर बूम ऑन हाफ एक्सटेंडेड आउटिगर, ठीक है। मतलब हाफ आउटिगर पे ये 5 5 टन 300 kg जो है अपना काउंटर वेट जोड़ के, ठीक है, उसके बाद कितने कैपेसिटी बनेगा, ठीक है। तो देखिए हाफ आउटिगर पर सब बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 24.5 मीटर बूम लेंथ है, ठीक है, और 10 मीटर रेडियस पे हमको देखना है कैपेसिटी कितना बनना है। 10 मीटर रेडियस के हिसाब से लेके जाएंगे 24.5 पे, ठीक है। देखिए 11 टन 900 kg बन रहा है, ठीक है, इसके सामने आ रहा है 10 मीटर रेडियस पे 11 टन 900 kg। तो गाइस जैसा ही अपना लोड चार्ट देखते हैं, ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप अगर ये देखिए 22.4 मीटर है ना बूम लेंथ, अगर मान लीजिए आप 21 मीटर बूम निकाले हैं, ठीक है, तो 21 मीटर बूम निकाले हैं और रेडियस अपना मान लीजिए जैसे 10 है, ठीक है, लेकिन हमारा रेडियस 11 मीटर बन रहा है, ठीक है, और बूम लेंथ हमारा 21 मीटर है, ठीक है। तो कभी भी देखिए ध्यान दीजिएगा कि 21 मीटर अगर बूम लेंथ है तो उसके आगे वाला ही हमको पकड़ना है, ठीक है। जैसे 20.25 है तो इसके आगे क्या पड़ रहा है, 22.4 पड़ रहा है, ठीक है। तो 21 मीटर में बूम लेंथ निकला हुआ है, लेकिन हम देखेंगे किस पे अपना लोड चार्ट, 22.4 पे, ठीक है, 22.4 पे अपना देखेंगे, ठीक है। और अपना देखिए 10 रेडियस है और हमारा रेडियस जो बन रहा था वो 11 मीटर था, ठीक है। तो कोई भी 11 मीटर से कोई भी जो ज़्यादा वाला होगा उसको ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो 11 से बड़ा कितना है, ये 12 है, 12 मीटर, तो 12 मीटर रेडियस पर देखेंगे, 12 मीटर रेडियस पे देखिए 21 मीटर बूम लेंथ था, लेकिन 22.4 पे देखेंगे, ठीक है, उसके आगे वाला। तो देखिए कितना बन रहा है, 13 टन 500 kg कैपेसिटी बन रहा है, ठीक है।
तो ऐसे ही अपना परसेंटेज जब निकालते हैं तो ऐसे ही देख के अपना निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज के बारे में आपको एक वीडियो बना दूंगा। और ये देखिएगा जी, अपना रेंज डायग्राम है, इसके बारे में भी मैं आपको पार्ट टू वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे, इसका हाइट और रेडियस अपना निकाल सकते हैं, ठीक है, किस तरह इसको देखा जाता है, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और देखिएगा जिसमें दो अपना दो जीभ दिया दिया हुआ है, ठीक है, दो जीभ है, एक 9.5 मीटर का है और एक 6.5 मीटर का है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अपना 9.5 मीटर का जीभ एक हो गया, ठीक है, और टोटल 9.5 और 6.5 जब जोड़ेंगे तो 16 मीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर भी 9.5 मीटर है। देखिए गए जो जो अपना जीभ है वो 0 डिग्री के एंगल में, 15 डिग्री के एंगल में और 30 डिग्री के एंगल में जोड़ा जाता है, ठीक है। और देखिए ये अपना गाइज, कभी भी अगर फ्लाई जीप पे अगर अपना काम करेंगे जीप जोड़ के, तो 50 डिग्री से नीचे डाउन नहीं मारना है, ठीक है। ये अपना जो बूम है 80 डिग्री तक अप होता है, लेकिन 78 पे अपना कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बूम अप कट ऑफ हो जाएगा। तो कभी भी 50 डिग्री से डाउन ना मारे जब जीप जोड़ लेंगे तब, तो, ठीक है, काम करते समय। ओके, तो गाइज कुछ भी अगर पूछना होगा तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू में मैं आपको रेंज डायग्राम के बारे में बताऊँगा, ठीक है, कि इसका रेंज डायग्राम कैसे देखा जाता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।